पूर्णिया के कमलदेव विचार मंच के द्वारा एसके मिशन स्कूल में पूर्णिया के प्रथम विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय कमलदेव नारायण सिन्हा की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पूर्णिया के विधायक विजय खेमका, पूर्व मेयर, समाजसेवी एवं कई शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से स्वर्गीय कमलदेव बाबू के तैल्य चित्र पर पुष्प चढ़ाया। विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार आम लोगों से साझा की और पुराने दिनों की कमलदेव बाबू की यादों को ताजा किया। इस मौके पर एसके मिशन स्कूल के निदेशक ने बताया, इस बार कोरोना काल के कारण मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन जरूरतमंदों के बीच नहीं हो सका। कमलदेव विचार मंच जो हम लोगों का संस्था भी आज उपस्थित हैं। आज पूर्णिया के प्रथम विधायक सुनता सनानी एवं पूर्व मंत्री उनका 19वां पुण्यतिथि का आयोजन था। इस कार्यक्रम में हमारे शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग, सभी वर्ग के लोग आए। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के विधायक माननीय विजय खेमका जी थे, सैयद साहिद राजा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वो भी थे, और शहर के जितने भी चुने गिने लोग थे, पधारे महिला लोग भी थे। बस प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करते आ रहे हैं। कमलदेव विचार मंच और एसके मिशन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में तो इस बार हम लोग हर साल की तरह आंखों का ऑपरेशन नहीं कर पाए, उसका मुख्य कारण कोरोना ही है। कोरोना में बचाव के पक्ष जितने भी टीम डॉक्टर रहते हैं या फिर मन से जुड़े लोग इसमें जो सहयोग देते हैं, सब कोई आपस में बैठकर राय विचार हुई कि इस साल कोरोना की वजह से आंखों का ऑपरेशन गरीब को स्थगित किया जाए, तो इस साल वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है। अगले साल हम लोग और अच्छे से करेंगे जी। इस बार संग्रहालय बनाने की बात हो रही थी, विधायक जी पिछले साल भी आए थे, बताए थे कि बनाएंगे, अभी तक नहीं हुआ। वो है कि पूरे बिहार में सरकार की ओर से दो ही राजकीय पुस्तकालय है, एक मुंगेर में और एक पूर्णिया में। वो तत्कालीन श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, तो उनके प्रयास से और कमलदेव बाबू के प्रयास से पूर्णिया में और मुंगेर में स्थापित हुई, और एक उनसे जुड़े हुए जितने भी स्मृति के चीज़ यहाँ रखे हुए हैं, एक संग्रहालय यहाँ बना हुआ है, उसे विधिवत से एक व्यापक संग्रहालय बनेगी, ऐसा हमारे माननीय विधायक ने कहा है। और उस संग्रहालय में जितने भी उस स्तर के संता सेनानी हैं और पूर्णिया शहर के बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, जो लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ सामान संग्रहालय में रखा जाएगा।